आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वी एल सी मीडिया प्लेयर के ज़रिए से हम किसी भी वीडियो के अंदर साउंड को यानी म्यूज़िक वगैरह को किस तरह से डाल सकते हैं इस वक्त अच्छा हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानब और यहाँ पर है वी एल सी मीडिया प्लेयर हम इसको क्लिक करेंगे और देखिए कि इस वक्त एक वी एल सी मीडिया प्लेयर ओपन हुआ है तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जैसे ही हमने मीडिया प्लेयर पे वी मीडिया प्लेयर को ओपन किया तो यहाँ पर एक फाइल आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट एंड सेव हमने कन्वर्ट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक और स्क्रीन नमदार होगी ये देखिए ये एक और इस्क्रीन हमारे सामने ओपन हुई है और इस स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ओपन मीडिया तो हम ओपन मीडिया पे हम आए हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जगह जो है ख़ाली है एम नज़र आ रही है अब हमने क्या करना है जहाँ ये प्लस का निशान बना हुआ है और जहाँ लिखा हुआ है ऐड हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमने इसको क्लिक किया है तो हमारे सामने वो वीडियो की फाइल आ जाएगी कि जिसमें साउंड नहीं है तो हम उसको उठाएंगे वो हमारे पास मौजूद है डेस्कटॉप के ऊपर और उसका नाम है हंड्रेड के नाम से वो फाइल मौजूद है जिसके अंदर साउंड मौजूद नहीं है तो अब हमने इसको उठाया है यहाँ से और ये देखिए इसका इसके ऊपर नाम आ चुका है इस वीडियो का जिसके अंदर साउंड मौजूद नहीं है और अब हम क्या करेंगे इसको हम कर देंगे हम जाएंगे इसके नीचे एक जगह लिखी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि शो मोर ऑप्शन शो मोर ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक और जगह पे लिखा हुआ है प्ले एन अदर मीडिया और अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक और छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जो कि खाली सी एम है और अब हमने इसको ब्राउज़ करना है और यहाँ पे हमने डालनी है अपनी म्यूज़िक की फ़ाइल या वो साउंड जो हमें चाहिए तो उसके लिए देखिए ये जगह यहाँ पे खाली पड़ी हुई है तो हमने उसको ब्राउज करना है उसको ऐड करना है यहाँ से उठाना है और अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है और अब ये यह यहाँ से उठेगी और यहाँ जाने के बाद अब हम जाएंगे हमारी जो साउंड जो है जो म्यूज़िक है वो पड़ा हुआ है डाउनलोड की फ़ाइल के अंदर हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से कोई सा हम अपना म्यूज़िक उठा सकते हैं तो ये वाली मेरे पास एक म्यूज़िक की फ़ाइल ही अच्छी है तो चलिए इसी को उठा लेते हैं और अब मैं इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और जैसे ही ओपन किया तो आप देखिएगा कि ये जगह खाली थी तो यहाँ पे इसका नाम आ गया इस म्यूज़िक फाइल का और अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्लिक कर दिया मैंने क्लिक करने के बाद आप देखिए कि वो जो जगह ख़ाली थी वहाँ पे इसका नाम आ, चुक, आ चुका है इस साउंड का और अब हम इसको कन्वर्ट एंड सेव कर देते हैं तो जैसे ही हमने कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे जगह खाली है हम यहाँ पे इसको ब्राउज़ करेंगे ब्राउज़ के लिए हम इस पर ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और हमने इसको नाम देना है क्योंकि अब यहाँ देखें और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हमने इस नाम को यहाँ से हटा देना है और इसके ऊपर मुझे आ, कोई सा भी नाम हमने इसको देना है तो मेरे पास आ, पहले से नाम कॉपी पेस्ट हुआ है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया रेसिपीज़ बाय हाशिम जय तेमरी जो कि मेरे चैनल का नाम है तो वो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो तो देखिएगा इधर भी यहाँ पे नाम आपको शो हो रहा होगा और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा तो ये देखिएगा अब ये इसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया है और अब मैं इसको यहाँ से और अब हम स्क्रीन की जानब आ गए हैं कंप्यूटर की और हम इसको रिफ़्रेश करें और जिसके अंदर हमने म्यूज़िक डाला था अब मैं उस वीडियो को उठाता हूँ और इसको यहाँ मैंने इसके साथ ही कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आई साउंड सुनते हैं आपको म्यूजिक की आवाज आ रही होगी इस वाली को सुने पहले वाली को इसमें साउंड मौजूद नहीं है तो इस तरीके से किसी भी आ, वीडियो के अंदर वी के जरिए से म्यूज़िक या कोई भी साउंड आप इस तरीके से डाल सकते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं हूँ हैं है मुरी शुक्रिया